हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर नंबर सेकंड पढ़ने वाले हैं और उसमें पढ़ने वाले हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव। यानी कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए थ्योरम हमारे पास जो नेसेसरी कंडीशन है वो है कंटिन्यूटी। इफ आ फंक्शन एफ इज डिफरेंशियबल एट अ पॉइंट सी, देन इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, बट कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम need not to be true. फ्रेंड्स, अगर हमारे पास कोई एक डिफरेंस इक्वेशन है, एक फंक्शन है हमारे पास एफ, अगर उसमें हमें पता चल जाता है कि वो पॉइंट डिफरेंशिएबल है, तो वहां पर हम डायरेक्टली कह देंगे कि फंक्शन जो है वो उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस भी है। बट अगर हमें पता होता है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है उस पर, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो डिफरेंशिएबल है। वहां पर हमें चेक करने की जरूरत होती है कि वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं और डिफरेंशिएबल है या नहीं। बट अगर हमें पता चल जाता है कि सी पॉइंट पे फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो उस कंडीशन हम डायरेक्टली बोल देंगे कि जो फंक्शन है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो इसको, इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो यहां से हम चूंकि एफ डैश सी बराबर प्रूफ करते हैं, एफ डैश सी बराबर होता है हमारे पास एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये हमने जस्ट अभी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें पढ़ा था, f'c बराबर जो डिफाइन होता है वो fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। तो यहां से fx माइनस fc को क्या लिख सकते हैं, fx माइनस fc अपॉन x माइनस c मल्टीप्लाई बाई x माइनस c। x माइनस c से x माइनस c कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये हो गया। अब यहां से हम कर रहे हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, यानी एक्स जो है वो सी की तरफ टेंड्स कर रहा है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ सी बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये हो गया। और साथ में ये इसका मल्टीप्लाई है, तो यहां से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस सी। फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास अगर ये थ्योरम जो लगाई यहाँ पे, ये लगाई हमने पास, अगर लिमिट x टेंड्स टू जीरो हो या कुछ भी c हो, m डॉट n दो फंक्शन हो, तो उस कंडीशन में हम लिमिट x टेंड्स टू c m डॉट लिमिट x टेंड्स टू c n, ये वाली थ्योरम की हेल्प से हमने यहाँ से ये लिख दिया लिमिट m डॉट n बराबर लिमिट ये जो टर्म है एक्स टेंड्स टू सी एम ये वाली टर्म, और एन वाली टर्म के लिए ये लिख दिया हमने। तो यहां से ये हो गया। अब ये हमारे पास है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बराबर, ये तो डेरिवेटिव हो गया इसका, तो ये हो गया एफ डैश सी, क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शन है हमारे पास, तो यहां से ये डिफरेंशिएबल हो गया। और साथ में ही लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, अगर ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये लिमिट होगी वो जीरो की तरफ टेंड्स करेगी। तो फ्रेंड्स, टोटल जो लिमिट है वो हमारे पास यहां से लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल टू जीरो, ये हो गया हमारे पास। अब यहां से अगर हम लिमिट में ये थ्योरम लगाएं कि लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू कुछ सी या कुछ और भी टर्म पे हो सकती है एम प्लस एन, यानी एम जो और एम और एन दो फंक्शन है, तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एम प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एन। तो यहां पे अगर इसका हेल्प करें, इसकी हेल्प लें, तो यहां से हमारे पास ये हो जाएगा
यहां से हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ सी माइनस लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ सी इक्वल टू जीरो। अब फिर जो ये फंक्शन है, ये वाला फंक्शन जो है ये प्योर सी का फंक्शन है, यहाँ पे कोई एक्स है ही नहीं, तो यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें तो लिमिट अप्लाई करने पे फंक्शन सी ही रहेगा, तो यहाँ से लिमिट अप्लाई कर इसको हटा सकते हैं, ये हो गया हमारे पास इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ, यहाँ पे एक्स है एफ एक्स, इसको इस साइड में ले गए तो ये हो गया एफ सी, जो कि हमारे पास कंटिन्यूटी को शो कर रहा है कि एक्स जब सी की तरफ टेंड्स कर रहा है तो उस कंडीशन में फंक्शन जो है वो सी की तरफ टेंड्स कर रहा है, एक्स जब सी की तरफ टेंड्स कर रहा है तो फंक्शन एफ सी की तरफ टेंड्स कर रहा है, तो इस तरह से हो जाएगा हमारे पास ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, इंप्लाई कंटिन्यूअस। तो यहां से जब हमने फंक्शन को डेरिवेटिव माना था, डिफरेंशिएबल माना था, तो उस कंडीशन में फंक्शन जो हो गया वो कंटिन्यूअस हो गया। अब हम शो करेंगे कि इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, तो कन्वर्स ट्रू नहीं है तो उसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी ऐसा फंक्शन जो आपको कॉन्टिन्यूस लगता हो और उस पर डिफेंसिबल नहीं हो, तो ऐसा फंक्शन हमें चाहिए। तो फ्रेंड्स यहां पे हमने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स बराबर एक्स एंड माइनस एक्स, एक्स है एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एफ एक्स लेस देन जीरो, ये है हमारे पास फंक्शन को डिफाइन किया है, हमारे पास एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और माइनस एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो इसके हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी फ्रेंड्स दोनों तरह से चेक कर सकते हैं, इसके हम डायरेक्टली ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं और सिंपल जो थ्योरम है उससे भी चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स ग्राफ से थ्योरम कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमारे पास सिंपल है, ग्राफ से कंटिन्यूटी जब चेक कर रहे होते हैं तो ग्राफ हमारे पास कहीं पर भी टूटना नहीं चाहिए, जो अगर ग्राफ कहीं पर नहीं टूटा तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस है। जैसे इस पे लगाते हैं एफ एक्स इक्वल टू जीरो पे एफ एक्स है, ये हमारे पास एफ एक्स सॉरी एक्स की वैल्यू एंड ये एफ एक्स की वैल्यू, तो हमारे पास यहाँ पे जब एक्स की तरफ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो ये सीधी लाइन है हमारे पास, ये है हमारे पास, जब ये एक्स लेस देन जीरो है तो माइनस एक्स, यानी कि जब ये माइनस माइनस जैसे कोई माइनस वन है तो माइनस वन माइनस एंड वन हो जाएगा, यानी कि ये टर्म जो है वो इस तरफ की टर्म है, तो ये फ्रेंड्स पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये जीरो जीरो पे मिले हुए हैं, तो यहाँ पे कहीं पर भी ये ग्राफ टूट नहीं रहा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये तो डायरेक्टली हम इस तरह से ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं, अगर ग्राफ से चेक ना करना चाहे तो हम इसकी थ्योरम से भी चेक कर सकते हैं। इसको मैथमेटिकल चेक करते हैं तो एक्स बराबर जीरो पर मैथमेटिकल चेक करें तो इसके लिए हमें क्या चेक करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, तो पहले हम लिमिट चेक कर रहे हैं एफ सी प्लस एच, राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो और सी सी कहां पे, यहां पे हमें कहीं और चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जीरो पे चेक करने की जरूरत है, तो जीरो पे चेक कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ जीरो प्लस एच, ये हो गया, तो यहां से हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो प्लस एच, जीरो से कुछ बड़ा, तो जीरो से बड़ा मतलब कि ये फंक्शन डिफाइन हो गया, तो ये हो गया हमारे पास एच, तो यहां से लिमिट अप्लाई की तो ये हमारे पास जीरो आ जाएगा, तो इस तरह से ये तो राइट हैंड लिमिट आ चुकी है, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो एफ सी माइनस एच लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं हम, तो यहां से ये हो गया हमारे पास लिमिट एच टेंस टू जीरो और जीरो पे चेक कर रहे हैं, क्योंकि जीरो पे चेक करने में तो ये हो जाएगा हमारे पास जीरो माइनस एच, यानी सी की वैल्यू अगर जीरो पुट करें तो सी की वैल्यू यहाँ पे जीरो माइनस एच चेक करनी है हमें, तो यहां से जीरो माइनस एच है इसको छोटा, यानी कि यहां से, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, माइनस तो डिफाइन है ही और ये माइनस एच पे चेक कर रहे हैं हम, यानी जीरो माइनस एच, ये हो गया, तो यहां से ये हो गया हमारे पास लिमिट एच एच टू जीरो एच, ये हो गया। अब अगर लिमिट अप्लाई कर देते तो ये भी जीरो हो गया, तो फिर दोनों केसों में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों केसों में जो लिमिट है वो जीरो है, तो यहां से हम कह सकते हैं फंक्शन जो है और
एफ एट जीरो पे भी फंक्शन जीरो है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ जीरो पे, दो तीनों पे वैल्यू जीरो 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 है, सेम है। तो उस कंडीशन में कहेंगे कि फंक्शन जो है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास यहां से हो गया कि फंक्शन जो है वो एक्स इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है। अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन है एक्स इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो यहां ये चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए पहले फ्रेंड्स हम राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश, या तो इसको हम दे सकते हैं एफ डैश जीरो प्लस एच, तो इसको डिफाइन करते हैं हम। एफ अगर सी पे चेक कर रहे होते तो सी पे चेक कर रहे होते एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी, यानी कि अपॉन एच होता ये। बट हम जीरो पे चेक करें तो ये हो जाएगा जीरो प्लस एच, ये हो जाएगा जीरो प्लस एच और ये हो गया जीरो, ये हो गया अपॉन एच, ये हो गया। अब यहां से अगर हम देखें जीरो प्लस एच पे वैल्यू, जीरो प्लस एच पे वैल्यू क्या होगी इसकी एच प्लस, और जीरो पे वैल्यू क्या है जीरो, जो एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल का साइन आ रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो पे वैल्यू एक्स है, तो एन जीरो अपॉन एच और लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। तो यहां से हो गया हमारे पास लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये हो गया वन, तो ये होगी वैल्यू हमारे पास वन। अब हम अगर लिमिट अप्लाई कर दे तो वन पे लिमिट अप्लाई करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो गया वैल्यू वन। अब हम राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश जीरो माइनस एच, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ डैश जीरो माइनस एच, तो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच, ये हो जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे हम, ये हो गया हमारे पास फंक्शन, अगर जीरो माइनस एच पे देखें तो एफ एट माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच और ये हो गया लिमिट एच एस टू जीरो। अब माइनस एच पे फ्रेंड्स वैल्यू क्या है, माइनस एच ये रहा, यानी एच टेंस जो है वो नेगेटिव, एच जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि एच टेंस टू जीरो जा रहा है, एच नेगेटिव पॉजिटिव नंबर होता है, माइनस एच नेगेटिव नंबर हो गया, तो यहाँ पे ये इस तरह से लिमिट अप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस एच तो है ही और माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस और एफ एच जीरो वैल्यू क्या है जीरो यहां से अपॉन माइनस एच, तो ये हो गया हमारे पास लिमिट एच टेंड टू जीरो, ये प्लस का एच हो जाएगा, प्लस का एच अपॉन माइनस एच, यानी कि ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू जीरो माइनस वन। तो यहां से जो वैल्यू आई हमारी ये आ चुकी है माइनस वन। अब फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन है और राइट हैंड डेरिवेटिव वन है, तो यहां से चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट जीरो इक्वल नोट राइट हैंड डेरिवेटिव एफ एट जीरो, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नोट राइट हैंड डेरिवेटिव, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे जो फंक्शन जो है इंप्लाई एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहां से जो हो गया कि जो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो फिर इस तरह से हम इसे और भी एग्जांपल या और भी थ्योरम्स आगे पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, जिसमें अलजेब्रा से किस तरह से होंगी और साथ ही डेरिवेटिव्स के फंक्शन और चेन रूल्स जो होते हैं वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।